नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, तय हो गई है तारीख, इस दिन बढ़ेगा DA, जाने कितनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी बढ़े हुए DA का इंतजार कर रहे हैं तो आपका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि नवरात्रे पर कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, महंगाई भत्ते का औपचारिक ऐलान 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्रे पर हो सकता है। वहीं 1 अक्टूबर से कर्मचारियों का DA बढ़कर 38% हो जाएगा। इसके साथ ही अक्टूबर महीने में उनको पिछले 2 महीने का एरियर का पैसा भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस बार सरकार DA में 4% का ऐलान करने जा रही है। इसके बाद में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। बता दें कि बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा, तो कर्मचारियों को बकाया 2 महीने का पैसा एरियर के रूप में भी मिलेगा। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक अगर आपकी सैलरी 31,550 रुपये है और DA में 38% का इजाफा होता है तो जानिए कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, बेसिक सैलरी हुई 31,550 रुपये, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 11,989 रुपये, मौजूदा DA 34% के हिसाब से 10,727। कितना बड़ा DA? वो 4% बड़ा। मंथली सैलरी में इजाफा हुआ 1,262 रुपये का, और सालाना सैलरी में इजाफा होगा 1,262 को अगर 12 से गुना करते तो 15,144 रुपये का। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो आपके DA में कुल 6,840 रुपये का इजाफा होगा, यानी मंथली DA की बात करें तो आपकी सैलरी में 720 रुपये का इजाफा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।